हेलो स्टूडेंट्स दिस इज नीरज गुप्ता इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक्स नाउ इस वीडियो से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है सो so जैसा कि आप स्लाइड uh, में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वॉट इज स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन presentation एनालिसिस एंड interpretation ऑफ डेटा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी न्यूमरिकल फिगर्स को इकट्ठा करना फिर उसको सिस्टमैटिक लगाना सामने वाले के समझ में आए इस तरह से उसको प्रेजेंट करना एनालिसिस एवरेजेस या परसेंटेजेस में पेश करना और उसके बेसिस पे कुछ लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालना ये है स्टैटिस्टिक्स आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भी इस वीडियो को सुने चाहे वो इलेवेंथ क्लास का स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट है या कोई टीचर है या कोई भी जिसने स्टैटिस्टिक्स को अपनी लाइफ में फील ना किया न्यूज पेपर्स हम सभी ऑलमोस्ट देखते हैं पढ़ते हैं न्यूज चैनल्स देखते हैं हमेशा स्टैटिस्टिक्स की बातें सामने आती हैं कोई भी इंफॉर्मेशन अगर दी जाती है तो हमेशा बताया जाता है कि पास्ट में यही इवेंट कब हुई कितने लोग उसमें आए कोई भी चीज़ पॉजिटिव होती है तो भी अगर इंडिया कोई मैच जीतती है क्रिकेट का तो हमेशा पास्ट स्टैटिस्टिक्स दिखाए जाते हैं कि भी फॉरेन कंट्रीज़ में जो सीरीज़ हुई हैं उसमें कितनी इंडिया जीती जी या इंडिया में जो मैचेस हुए हैं या जो इस समय हमारे प्रेजेंट कैप्टन हैं उनकी कैप्टनशिप में हमने कितने मैच जीते तो ये स्टैटिस्टिक्स हमेशा आती हैं ऐसे इकोनॉमिक्स के एंगल से देखें तो चाहे वो अनम्प्लॉयमेंट का डेटा है अगर ऐसे अनएम्प्लॉयड लोगों की एक लिस्ट आपको दे दी जाए तो यू कैनॉट डू एनीथिंग विद डैट लेकिन अगर उसी को हम टेबलेट कर दें हम ये क्लासीफाई कर दें कि भाई इतने दिल्ली के लोग अनएम्प्लॉयड हैं इतने यूपी के हैं इतने महाराष्ट्र के हैं इतने राजस्थान के तो बात समझ में आती है फिर उसको हम एज ग्रुप में क्लासीफाई कर दें कि भाई इस एज के लोग इतने अनएम्प्लॉयड हैं ऐसे हेल्थ रिलेटिंग स्टैटिस्टिक्स है इनकम रिलेटिंग स्टैटिस्टिक्स है एग्रीकल्चर रिलेटिंग इंडस्ट्री रिलेटिंग सर्विस सेक्टर रिलेटिंग एनी एनी डेटा इकोनॉमिक्स के अंदर ऑब्वियसली हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं फिलहाल तो उस एंगल से मैं डिस्कस कर रहा हूँ एग्जाम्पल्स लेके सो वॉट इज स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्शन सबसे पहली बात आ जाती है कि भाई डेटा को कलेक्ट करो नहीं स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्शन फिर दूसरी बात आती है कि उसको ऑर्गेनाइज करो थोड़ा सा तो थो. अगर एक सिंपल डेटा बस हम कलेक्ट करके बैठ गए और हमने उसको कहीं पर भी पेश करने के लायक पोजिशन में नहीं लाया तो थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज किया जाए है ना बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन फिर उसको हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो चीज़ें हमारे सामने आएंगी धीरे धीरे ये पूरा सिलेबस इसी चीज़ पर है आप समझ रहे हैं पहले डेटा को कैसे कलेक्ट करना है आप कलेक्शन के अंदर मान लेते हैं हमने उसको कोई मेलर भेजना है डायरेक्ट जाके इंटरव्यू करने हैं किसी जिसको विटनेस बोलते हैं किसी रिप्रेजेंटेटिव से डेटा कलेक्ट करना है तो बहुत सारे तरीके हैं ऐसे प्रेजेंट करने के तरीके हैं जैसे कि आपको इसी आ, स्लाइड में नीचे नज़र आ रहा है कि डेटा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम एरे ऑफ डेटा या टेलीबार्स बनाते हैं यानी किसी भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा प्रेजेंटेबल लाते हैं ना अब अगर मैं ना मैं आपके सामने रॉ फ्रूट्स रख दूँ तो शायद आप इतना पसंद ना करें और उसी को थोड़ा सा होता है ना कट करके एक टेबल उसमें प्लेट में सर्व किया जाता है तो वही फ्रूट चाट कहलाती है लोग इंटरेस्ट के साथ खाते हैं और उसको वो एक ज़्यादा बेटर लगता है तो ये तो होता ही है किसी भी चीज़ में आप शॉप्स पे जाएं अगर सारे कपड़े ऐसे एक टेबल के ऊपर हैफोजट वे में पड़े हुए हों कलेक्शन तो है कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स लेकिन हम क्या करते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं भाई ये जेंट सेक्शन है ये लेडी सेक्शन है जेंट सेक्शन के अंदर फिर भई ये 34 साइज़ है ये 36 साइज है 38 है तो इजीली निकल के आता है है ना तो उसमें भी वो क्या करते हैं अलग अलग रखते हैं भाई ये कॉटन अलग है ये डेनिम अलग है ये इस तरह से तो दैट यू कैन से एक शॉप भी जो है वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स एक वे में नहीं है लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करना प्रजेंट करना ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना सो स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन फिर एनालिसिस ये एनालिसिस तो हम शॉप पे जाके खुद ही करते हैं कौन सी चीज़ सस्ती है महंगी है और फिर इंटरप्रिटेशन की फाइनल डिसीजन लेना कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना राइट right. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी चलती ना सो स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा अब हर स्टेज पर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई होते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के लिए वी आर गोइंग टू यूज एरे ऑफ डेटा एंड बार्स राइट अब अगर हम बात करते हैं एरे ऑफ डेटा की तो एरे ऑफ डेटा में हम क्या करते हैं डेटा को उठाकर छोटे से बड़े में ऑर्गेनाइज कर देते हैं इससे भी बड़ा पता चलता है है ना सो एरे ऑफ डेटा इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर इन रोज इन कॉलम्स आई होप आप सबने एक्सेल शीट देखी हुई है तो एक्सेल शीट में लेफ्ट हैंड से राइट right हैंड पर जो जाता है उसको रोज़ बोलते हैं है ना और टॉप से नीचे एक तरह से अगर हम हेड टू टो की बात करें तो इस तरह से जो होते हैं उनको कॉलम्स बोलते हैं सो एरे ऑफ डेटा इज ए ग्रुप ऑफ नंबर इन रोज इन कॉलम्स विद द स्मॉलेस्ट एट द बिगिनिंग एंड रेस्ट इन द ऑर्डर ऑफ साइज अप टू द लार्जेस्ट एट द एंड यानी किसी भी डेटा को छोटे से लेकर बड़े तक जब हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं जैसे स्कूल में लाइन नहीं लगती जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको सबसे आगे खड़ा कर देते हैं और उसके बाद जो सबसे लंबा बच्चा होता है वो पीछे चला जाता है एक एक उस सीक्वेंस में होता है सारे बच्चे ऐसे झुंड में खड़े हो तो पता नहीं चलेगा तो किसी भी चीज़ को ये लाइफ में होता है कि हम ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करते हैं इवन अगर हम कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं सपोज हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं अपने बैग में भी सामान अपनी तरफ से सिस्टमेटिक लगाते हैं ना आमतौर पर उसमें भी हम यही करेंगे कि सबसे ऊपर जो है छोटा सामान रखेंगे और नीचे नीचे हैवी और बड़ा सामान जो है वो बेस में जाएगा तो हम अपना इवन जो ब्रीफ लगाते हैं सूटकेस लगाते हैं जो बाहर जाने के लिए अगर घूमने भी जा रहे हैं तो उसमें भी एक सिस्टम तो रखेंगे ना पहले चीज़ें वो कलेक्ट करेंगे और फिर उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे तो डेटा के साथ भी वही वर्किंग है राइट right. अब जैसे टेली मार्क्स है ये तो मैंने आपको बताया जैसे एरे ऑफ डेटा अब हम चलते हैं टेली मार्क्स अगर हम बात करते हैं टेली मार्क्स की तो इसमें क्या होता है इसके अंदर हम एक जैसे कोई रनिंग काउंटिंग चल रही है ना उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है टेली मार्क्स को मैं इसको पहले नेक्स्ट पेज पे इसका एग्जांपल दिखाता हूँ अब देखिए जैसे टॉप पे अब देखिए लेफ्ट में येलो अब चार है अगर तो मान लेते हैं सपोज़ कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं या कुछ उसमें से विनर आ रहे हैं कुछ ऐसा हो रहा है रनिंग काउंटिंग चल रही है तो हम क्या कर सकते हैं जैसे जैसे बच्चे क्रॉस कर रहे हैं मान लेते हैं रेलो वाले चार बच्चे क्रॉस कर गए सपोज अभी तक तो वन टू थ्री फोर वो एक डंडी सी लगाते रहते हैं एक बार टेली मार्क्स और पाँचवें में हमेशा कट कर देते हैं फिर छठे के लिए सिंगल मार्क उठाते हैं यानी पाँच पाँच का एक बंच बनाते हैं राइट दिस इज़ हाउ तो आप देख सकते हैं ब्लू में जैसे सिक्स है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने पाँच के बाद इसको कट किया और फिर एक और लगाया इसी तरह से आप नीचे वाले टेबल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा जैसे फ्रीक्वेंसी टेन है तो आप देख सकते हैं कि पहले चार चार फिर कट किया हुआ फिर एक बार और चार 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 कट किया हुआ तो दो इस तरह से बन गई थर्टीन है उससे अगले में तो आप देख सकते हैं दो तो कट की हुई है साफ पता चल रहा है दस और तीन तेरह सो दिस इज़ हाउ ये एक मेरे ख्याल से पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी रही होगी जिस ज़माने में इतना ज़्यादा कंप्यूटर और बाकी की फैसिलिटीज़ नहीं थी आजकल तो चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए बहुत कुछ हो गया है है ना रेगुलर फॉर्म आ गई हैं और डायग्राम पाया ग्राफ्स और पता नहीं क्या क्या है तो आ, लेकिन ये पुराने जमाने में शायद ये कल्चर यूज़ किया जाता होगा और टेलीमार्क्स जो है वो उस हिसाब से बनाए गए हैं राइट right. तो अब मैं इसको पढ़ देता हूँ टेलीमार्क्स आर अ फॉर्म ऑफ न्यूमरल यूज फॉर काउंटिंग दे आर मोस्ट यूजफुल कहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा यूज़ है दे आर मोस्ट यूज़फुल इन काउंटिंग और टेलिंग ऑन गोइंग रिजल्ट मेन ये कहाँ यूज होता है जहाँ पर ऑन गोइंग रिजल्ट यानी काम चल रहा है जैसे मैंने आपको कहा सपोज कुछ बच्चे हैं जो दौड़ रहे हैं तो हमने क्या किया उनका ऑन गोइंग रिजल्ट जो है इस तरह से बनाना शुरू कर दिया है ना सच ए स्कोर इन अ गेम और स्पोर्ट खैर मुख्य बात यही है कि जो डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं मुख्य बात यही है जो समझने की है कि स्टैटस्टिक्स इज कलेक्शन ऑफ डेटा

अब अगर हम और बात करें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को तो हम उसको जब टेबल्स एंड ग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अब उसके बाद हम इसका एनालिसिस करना शुरू कर सकते हैं परसेंटेज इंप्रूवमेंट या एवरेजिज कैलकुलेट कर सकते हैं दिस इज द फाइनल एनालिसिस एंड देन ड्राइंग कंक्लूजनस यानी डिसीजन लेना भाई डेटा एक आदमी ने पेश किया तो उससे आप क्या नतीजे पर पहुंचे क्या आप समझ पाए वट डू यू थिंक इज द यूज ऑफ दैट डेटा उसका भी तो कोई फ़ायदा होना चाहिए ना सपोज अब जैसे हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमने एक डेटा कलेक्ट किया और उससे पता चला कि भाई मान लेते हैं कि भाई फोर्टी परसेंट ऑफ़ द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री हैव नॉट बीन एबल टू पास द एग्जामिनेशन तो अब उससे फिर कंक्लूजन्स निकालने पड़ेंगे इसका मतलब हमारे पास एडिक्वेट टीचर्स नहीं है एडिक्वेट टीचिंग फैसिलिटीज़ नहीं है एडिक्वेट नंबर ऑफ़ स्कूल्स नहीं है तो फिर उसके बेसिस पर हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे कि ज़्यादा स्कूल खोलें या जहाँ स्कूल खुले हुए हैं अगर वहाँ टीचर्स कम है तो और ज़्यादा टीचर्स अपॉइंट करें कुछ तो करना पड़ेगा ना सो दैट वी रीच एट सम पॉजिटिव कंक्लूजन्स राइट सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स एक तरह से फोरकास्ट में हेल्प करता है ये पॉइंट अभी आएगा भी हमारे डिस्कशन में भाई पास्ट में कोई भी चीज़ का डेटा अगर ऑर्गेनाइज वे में हमारे पास आ जाए तो हम डेफिनेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे है अगर पास्ट में दस सालों में कोई चीज़ कॉन्टीन्यूसली इस तरह से हो रही है तो ग्यारहवें साल में वी कैन कैलकुलेट ना अब जैसे मैंने एक बच्चों को क्लास में जब पढ़ाते हुए बोला तो उनको वो मजाक सा लगा था लेकिन मैंने कहा सपोज एक स्टूडेंट है जो पिछले दस सालों में एवरेज एट्टी मार्क्स ला रहा है कभी सेवेंटी कभी सेवनटी कभी एट्टी कभी एट्टी एवरेज एट्टी ला रहा है तो एलेवंथ में उसके मार्क्स हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि वो एट्टी के आसपास होंगे अब जो बच्चा हर साल 45 परसेंट के आसपास ला रहा है वो अचानक तो 80 ला नहीं पाएगा और जो बच्चा हर साल 95, 96, 97 सिक्स टॉपर है स्कूल का क्लास का वो भी अचानक 80 परसेंट पर डाउन गिर जाएगा इसके चांस कम होते हैं होने को कुछ भी होता है ये एक स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन भी है कि कई बार स्टैटिस्टिकल प्रडिक्शन्स बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता क्योंकि जो पास्ट में चल रहा होता है अगर हमने उसको सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया है डेटा को और प्रॉपरली उसको हमने प्रेजेंट किया है तो स्टैटिस्टिक्स के बेस पर लिए गए डिसीजंस आम तौर पर सही डिसीजन के बहुत नज़दीक होते हैं राइट सो वी कैन डेफिनेटली ड्रॉ कंक्लूजन्स ड्रॉइंग कंक्लूजन्स मीन्स टेकिंग डिसीजनस उनके बेसिस पर डिसीजन लेना बहुत आसान होता है ड्रॉइंग कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा सो आई थिंक अब आप इजिली इस डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को समझ गए होंगे जो मैंने यहाँ पर पेश की दैट स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा राइट तो इसमें कोई इतना uh, मुश्किल नहीं है कि हम ना समझ पाए कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है राइट right? मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया फिर भी कोई डाउट है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं अदरवाइज दिस इज सिंपली वॉट इज स्टैटिस्टिक्स अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स पहली बात चीज ये है कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्वान्टिटेटिव एक्सप्रेशन देता है दूसरा कंपेरिजन्स में हेल्प करता है इंटर सेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल दैन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करता है इकोनॉमिक थ्योरीज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ देन इकोनॉमिक इक्वलीब्रियम कैसे अचीव करें इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग कैसे करें तो इन सब चीज़ों में डेफिनेटली हमें ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो हेल्प करती है इसमें कोई डाउट नहीं है राइट सो आइए अब हम जो है डिस्कशन करेंगे एक एक करके इन सारे ही पॉइंट्स पर राइट right? अब जैसे सबसे पहला पॉइंट इसमें आया था दैट इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखिए जैसे आपने इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ी उसमें हमारा पहला चैप्टर था द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने उसमें पढ़ा कि भाई उस समय जो हमारी आउटपुट थी एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत कम थी से हमने ये पढ़ा कि पर एक्ट सिर्फ 600 हंड्रेड के जी आउटपुट थी या कुछ इस तरह के स्टैटिस्टिक्स थे फ्रैंकली आई डोंट रिमेंबर बट इट वॉज समथिंग लाइक दैट अब वो जो आउटपुट है हमारी रिसेंट ईयर्स में वो बढ़ के मान लेते हैं तीन हज़ार हो गई पाँच गुना बढ़ गई है सो so, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जब हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं है ना किसी भी चीज़ का अगर हम क्वान्टिटेटिव एक्सप्रेशन करते हैं तो वो जल्दी समझ में आती है ना ऐसे ही हमने डेमोग्राफी द डेमिक प्रोफाइल ऑफ द कंट्री पड़ा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने देखा कि उस समय हमारा जो बर्थ रेट था डेथ रेट था वो अबव फोर्टी था जबकि एडवांस कंट्रीज में ये बहुत लो होता है तो परसेंटेज में या अमाउंट में जब कोई चीज निकल के आती है या परसेंटेज में अब हम बात करते हैं जैसे माना फॉर एग्जांपल मैं फिर से इंडियन इकनॉमी का एग्जांपल ले रहा हूँ कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रफली 75 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन वाज वगेज इन एग्रीकल्चरल सेक्टर जबकि हमारी जो इंडस्ट्रीज है और जो सर्विस सेक्टर है उसमें लोग कम थे तो क्योंकि 75 परसेंट जनता जो है एग्रीकल्चर में लगी हुई थी तो वो भी हमारी इकोनॉमी को बैकवर्ड प्रूव कर रही थी वॉट आई मीन टू से अब जैसे माना हमारे मेरे को बुखार है अगर मैं ये मैसेज आपको कन्वे करूँ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर तो हो सकता है कि आप बहुत चिंता करने लगें या हो सकता है कि आप कहें मे बी ए माइल्ड फीवर आप उस चीज़ को इग्नोर करें लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे को 105 फीवर है तो शायद एकदम वो न्यूमेरिकली किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते फिर दिमाग उस पर चलता है अरे बाप रे अगर 105 डिग्री बुखार है तो मीन्स काफ़ी सारा बुखार है फिर ऐसा फीलिंग एक वो बात आने लगेगी और यहीं अगर मैं बोलूं कि मुझे 99 फीवर है तो प्रैक्टिकली आप सब जानते हैं नाइनटी नॉर्मल होता तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के साथ क्वांटिटिव एक्सप्रेशन के साथ तुरंत हम प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि वेदर द प्रॉब्लम इज अलार्मिंग इट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन और लेस सो so, कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन की जो हम बात कर रहे हैं इसमें ये हेडिंग भी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन की बात करिए तो किसी भी प्रॉब्लम को जब हम फिगर्स में एक्सप्लेन करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से एक चीज निकल के आती है जैसे माना अब मैं अगर स्लाइड के अंदर जो एग्जाम्पल दिया उसको पढ़ूँ अब जैसे यहाँ दिया हुआ कि थर्टी ऑफ द एम्प्लॉयबल यूथ इज़ अनएम्प्लॉयड अब इस सौ में से वो लोग जो नौकरी चाहते हैं चौंतीस लोग तो भी खाली हैं तो दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज़ वेरी अलार्मिंग या हमारी पर कैपिटल इनकम जैसे ये मैंने हाइपोथेटिकल फिगर लिया इट मे नॉट बी क्लोज टू द रियल वन जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिया कि पर कैपिटल इनकम हमारी 3000 और किसी डेवलप्ड नेशन की 25000 फाइव थाउजेंड तो पता चलता है बाप रे हम कितना उनसे पीछे हैं सिर्फ ये कहने से कम तो पता नहीं चलता ना जैसे चाय में बोलते हैं चीनी कम डालना अब मान लो एक आदमी दो चम्मच डाल रहा है ये मेरे साथ हुआ रियल लाइफ में न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया ना हम कहीं गए रास्ते में और ढाबे पर बोल दिया जी चाय बना दो और चाय में चीनी कम डालना अब वो भाई साहब ने जो है दो चम्मच चीनी डाल दी तब भी चाय पी तो एकदम ऐसा लगा शरबत जैसी बनी हुई हमने कहा भाई हमने तो बोला था चीनी कम डालना बोला भाजी कम ही डाली है अब हर एक आदमी की अपनी डेफिनेशन है ना अगर मैं उसके बजाय उसको बोलता कि हाफ टी स्पून डालना तो शायद वो अगर समझा के मैं उसको बताने में सफल होता तो चाय ठीक तो बन के आती ना तो किसी भी प्रॉब्लम को यही मैं बोला हूँ जब हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं तो वो चीज़ या कोई भी सिचुएशन ज़्यादा बेटर आती है तो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है राइट दूसरा है कंपैरिजन इंटर सेक्टर इंटर इंटर इज टाइम देखिए कंपैरिजन हमेशा दो तरह से होंगे एक तो जैसे एग्जांपल है इसमें मैं जो बुकिश एग्जाम्पल अभी उसी को उठा लूं जैसे इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल सपोज एक कंपैरिजन ये दे दिया कि भाई इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के अंदर कंपैरिजन करके देखा कि कहा क्या चल रहा है एक तो ये हो सकता है तरीका या अर्बन और रूरल सेक्टर को कंपेयर किया एक ये तरीका हो सकता है तो आई मीन टू से कि ये सब क्या है इंटर सेक्टर एक रूरल सेक्टर है एक अर्बन सेक्टर है इनके बीच में कंपैरिजन करवाया तो ये कंपैरिजन जो है वो तभी सफल हो पाएगा ना जब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होंगी अगर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है तो प्रॉपर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे हम सिचुएशन को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे तो स्टैटिस्टिकली कंपेयर करना बड़ा आसान है जैसे मैंने कहा सपोज एक पर्टिकुलर टाइम पर 75 परसेंट लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में और सिर्फ 15 परसेंट जो है मान लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो वी कैन सी दैट द इंडस्ट्रीज आर नॉट ग्रोइंग एंड एग्रीकल्चर इज बिंग ओवर स्ट्रेस्ड नहीं तो कंपेरिजन होगा ना सेक्टर वाइज या हम देखें कि भाई आज हमारे को हर प्रोडक्ट की जरूरत है अगर हम देखें कि भाई आयरन एंड स्टील में तो मान लेते हैं बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं एक एग्जाम्पल ले रहे हो टेक्सटाइल में कम है या वाइस एवरसाओ सपोज टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो आयरन स्टील में कम हो अल्टीमेटली इकनॉमी में सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है ना अगर एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे तो काम नहीं चलेगा या एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम देखें कि भाई वीट राइस पल्सेज या और जो भी शुगर केन जितनी भी चीज़ें ग्रो करनी है सबको ही ग्रो करना है ना अगर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा कर देंगे तो कल को उसका प्राइस एबनॉमली लो हो जाएगा और बाकी चीज़ें जो नहीं होंगी उनका प्राइस एबनॉर्मली हाई होगा आमतौर पर लाइफ में लोग क्या चाहते हैं कि सब चीज़ें स्मूथ हों ऑलमोस्ट सिमिलर हों तो वो कंपेरिजन से पता चलता है और इंटर सेक्टोरल जैसे मैंने कहा इंटर इंटरटेम्पोरली तो वह इंटर सेक्टर इंटर सेक्टोरल और अब यह है इंटर टेम्पोरल यानी टाइम वाइज कि भाई हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई आज ऐसा है कल कैसा था इस तरह से भी तो कंपेरिजन हो सकते हैं ना इसको बोल सकते हैं इंटर इंटरटेम्पोरल जैसे पिछले दस सालों का डेटा देख लिया पिछले बीस सालों का पिछले पचास सालों का डेटा लिया या जैसे मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स में पिछले हज़ार साल का फेमिस् इंडिया में जितने अकाल हुए हैं उनका डेटा आपके साथ जो है शेयर किया था गूगल से सर्च करके तो उससे पता चलता है कि हमारी कंट्री में इतने पिछले एक हज़ार साल में कितने फैमिंस हुए उसमें कितनी डेथ्स हुई एक पूरा एनिमेटेड डेटा तो नहीं होगा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट लेकिन कम से कम एक, एक एस्टिमेशन एक कैलकुलेशन तो होगी जिससे कुछ तो आइडिया लगेगा कि हाउ मच द इंडिया सफर्स थ्रू फैमिन्स एंड हाउ मच इम्पोर्टेंस इज टू बी गिवन टू दिस सो इंटर सेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल ये दोनों तरह के कंपैरिजन हमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है राइट right? चलिए आगे देखते हैं स्टैटिस्टिक्स हमें है और किस तरह से हेल्प कर रही है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अब जैसे अगर हमने इनकम बढ़ाई सपोज कंट्री में पर कैपिटल इनकम इंप्रूव हुई तो हम ये चेक कर सकते हैं कि इसका हेल्थ पर लिटरेसी पर क्या असर हुआ अगर फॉरन इन्वेस्टमेंट आई तो एम्प्लॉयमेंट पर क्या असर हुआ कोई भी चीज गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम शुरू की ज्यादा स्कूल्स खोले तो ओवरऑल लिटरेसी रेट पर क्या इंपैक्ट हुआ कॉज एंड इफेक्ट कि हमने कोई भी काम किया उसमें हमारे पैसे लगे उसमें हमारी एफर्ट लगे तो उसका रिजल्ट क्या आया जब दोनों के स्टैटिस्टिक्स सामने होंगी तो वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश कर पाते हैं दिस इज अ ग्रेट हेल्प देन इकोनॉमिक थ्योरीज थ्योरी क्या है कोई भी चीज अब जैसे हम सब कहते हैं कि भाई हमें पता है कि भाई जुलाई अगस्त के महीने में बारिश आती है जनवरी के अंदर जो है वो ठंड होती है अप्रैल मई में गर्मी होती है ये भी अपने आप में एक थ्योरी तो है कैसे भाई हर साल अप्रैल मई में गर्मी होती है जुलाई अगस्त में बारिश आती है दिसंबर जनवरी में ठंड होती है एक आम बच्चा भी 10 12 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसे पूछोगे बता देगा दिस इज द थ्योरी ऑफ यू कैन से हमारे वेदर वेदर थ्योरी इज डिवलप्ड भाई एक चीज़ अगर हर साल हो रही है और उसका अगर उसने अपने दिमाग में या कॉपी में स्टैटिस्टिक्स बना के रखा कि हाँ ये महीनों में ऐसा होता है तो उसके बेसिस पर थ्योरी डेवलप हो जाती है तो स्टैटिस्टिक्स तो किसी भी चीज़ की थ्योरी डेवलप कर देगा ऐसे तो डेफिनेटली जब एक चीज स्टैटिस्टिक्स निकाली और वो हमने स्टडी की एंड वी विल फाइंड दैट द कंक्लूजन्स आर कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग ये पॉइंट मैंने बड़े ध्यान से सोच के वर्ड सेलेक्ट किए थे है ना एंड वी फाइंड दैट द कंक्लूजन्स उस थ्योरी से जो चीज़ सामने आ रही है द कंक्लूजन्स आर कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग वो बार बार रिपीट हो रहे हैं कोई भी चीज़ है ना अप्रैल मई में आप किसी भी साल देखेंगे मोरलेस गर्मी है दिसंबर जनवरी में मोरलेस हर साल ही सर्दी है जुलाई अगस्त में मोरलेस हर साल ही बारिश है ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो किसी भी चीज़ के बारे में हम अगर ये देखें तो वो अपने आप में एक थ्योरी की फॉर्म में डेवलप हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं इकोनॉमिक्स के मॉडल्स हैं वो रिपीटेड जब एक चीज़ का डेटा हम रखेंगे डेटा को स्टडी करेंगे देन वी कैन डेफिनेटली सेफली कम टू अ कंक्लूजन कि भैया ऐसा होता है जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया इट इज अ वेल स्टेबलिश थ्योरी दैट फॉल इन प्राइस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन डिमांड कि जैसे ही प्राइस गिरता है फॉल इन प्राइस तो उसका इंपैक्ट क्या होता है डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो ये सब चीजें हैं ना तो इकोनॉमिक्स इन सब चीजों में हेल्प लेती है स्टैटिस्टिक्स की इसी तरह से इकोनॉमिक फोरकास्टिंग इसी तरह से फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज ये वही है ना भाई स्टैटिस्टिक्स अगर हमारे पास तैयार होगी किसी भी चीज़ की पास हिस्ट्री अवेलेबल है तो फोरकास्ट करना आसान है ना जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया पिछले दस सालों में एक बच्चा जो मार्क्स ला रहा है ग्यारहवें साल में एवरेज कितने मार्क्स लाएगा वो उस बेसिस पर मोर और लेस प्रिडिक्ट किया जा सकता है ये इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम में भी एप्लीकेबल है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज में सभी जगह ये वेरी मच पॉसिबल है इसके बेसिस पर प्रिडिक्शंस करना पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करना डिसीजनस लेना स्टैटिस्टिक्स इन्हीं चीज़ों में तो हमारे को मुख्य रूप से हेल्प कर रहा है नहीं इसी तरह से इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कि भैया प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं कंज्यूमर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो अगर कंज्यूमर्स अपनी पास्ट के स्टैटिस्टिक्स मेंटेन कर ले कि कब मैंने कितना खर्चा उससे मुझे कितना बेनिफिट मिला या प्रोड्यूसर्स हमने पिछले पास्ट में कौन सी चीज़ें बनाई उसमें किस में मैक्सिमम रेवेन्यू मिला सो दे कैन आल्सो मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट कंज्यूमर्स कैन आल्सो मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन सो स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पिंग एवरी वन दैट इज फॉर श्योर ठीक है ना और मैंने जैसे स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया था ये जितने भी मैंने स्लाइड्स बनाई हैं ये एक मैंने अपने जो नोट्स टाइप किए हैं उन्हीं की हेल्प से ये पावर पॉइंट्स बने हैं तो पावर पॉइंट्स के बेस पर वीडियो तो आप देख ही रहे हैं साथ में ये असाइनमेंट्स भी आप हमारी वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं उसका प्रिंट निकाल लीजिए और उसके बाद इन वीडियोज़ को आप यूज़ करेंगे यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ठीक है चलिए बाकी हम और अपना डिस्कशन जो है वो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स थैंक यू